जी हाँ दोस्तों, आप महाभारत सीरियल देख ही रहे होंगे किस प्रकार से दूरदर्शन पे इसका प्रसारण एक बार फिर से हो रहा है, जहाँ पे 1988 के बाद 2020 में भी उसकी चर्चाएं इतनी ही तेज हैं, यानी कि लोग उसे उतना ही पसंद कर रहे हैं महाभारत के हर एपिसोड को। लेकिन इसके जब आखिरी दिन एपिसोड जब शूट हुआ था तो किस प्रकार से घटना एक घटी थी जिसके चलते सभी की आंखों में आंसू आ गए थे, उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि टीवी सीरियल्स और बॉलीवुड से रिलेटेड ऐसी बड़ी खबरें हम आपके लाते रहते हैं। आपको बताएं दोस्तों, महाभारत को 1988 से 1990 के बीच दिखाया गया था, जहाँ पे दर्शकों ने उतना प्यार दिया। लेकिन एक बार फिर से जहाँ पर 2020 में पुनः प्रसारण हो रहा है लॉकडाउन के चलते, तो दर्शक एक बार फिर से उतना ही प्यार दे रहे हैं। लेकिन आपको बताएं दोस्तों कि महाभारत के सेट से एक वीडियो वायरल हो रही है, जो कि शूटिंग्स खत्म होने के बाद की है। महाभारत के सभी कलाकारों को सेट पर देखा जा सकता है, जिसमें नीतीश भारद्वाज और साथ ही साथ अर्जुन, मुकेश खन्ना, गुफी पेंटल और रूपा गांगुली समेत दूसरे बड़े कलाकार हैं जिन्होंने अर्जुन, कृष्ण और अन्य भूमिकाएं निभाई थी। जहां पे हमें ये देखने को मिल रहा है इस वीडियो में किस प्रकार से चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ और सबकी आंखों में आंसू है इस बात को लेकर कि उनकी महाभारत का आज का आखिरी दिन का शूट है। इसके बाद महाभारत के स्टारकास्ट से एक बार फिर से इस प्रकार से नहीं मिल पाएगी जिस प्रकार से महाभारत के शूट के दौरान मिलती थी और हंसी मजाक करती थी, साथ ही साथ उनकी इतनी यादें जुड़ चुकी थी जो उनको याद रह जाएंगी। जहाँ पे आपको बताएं दोस्तों किस प्रकार से नीतीश भारद्वाज जिन्होंने श्री कृष्ण का रोल निभाया था, वे अपने आप को संभालते हुए नहीं दिखाई दे रहे, उनकी आंखों में खूब आंसू है और साथ ही साथ वे सेट को चारों ओर से निहार रहे हैं किस प्रकार से उन्होंने इनकी यहाँ से इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन इनको सहारा देते हुए दिखाई दे रहे हैं रूपा गांगुली, उनके आंसू पोंछते हुए दिखाई दे रही हैं। सीरियल के दौरान सभी कलाकार एक दूसरे से इतना जुड़ चुके थे कि जब ये खत्म हो गया तो अपने आंसू रोक पाना सभी के मुश्किल हो गया, क्योंकि जब हम किसी से इतना लगाव करते हैं, हम किसी के लिए इतना कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में उसके लिए इतनी जगह बन जाती है कि जब वह हमसे दूर होती है तो उसकी यादें बस हमारे सामने रह जाती हैं और साथ साथ उससे जुड़ी यादें को लेकर हम जिंदगी अपनी बिता देते हैं। तो ऐसे ही कुछ माहौल था जहाँ पर सेट के दौरान हमें देखने को मिला है महाभारत के शूट पे। साथ साथ बिहार चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा भी भावुक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि इसके निर्देशक हैं। सीरियल में श्री कृष्ण की रोल निभाने वाले नीतीश भारद्वाज आखिरी दिन पूरे सेट को निहार रहे थे। इसके बाद वो अर्जुन के पास जाते हैं, जहां वो उन्हें सांत्वना देते हैं, यानी उनको संभालते हैं कि कोई बात नहीं दोस्त, आगे फिर अगर रहा तो सफ़र लंबा तो हम जरूर मिलेंगे। ऐसे में ये वीडियो देखकर सभी की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए, लेकिन उनकी यादें ताज़ा जरूर हो गई होंगी किस प्रकार से उन्होंने जब 80s के दशक में यानी 80 के दशक में ये सब कार्य किया था, तो उनकी एक बार फिर से याद हो, एक बार फिर से 2020 में ताज़ा होना कितनी आसान फिट, एक बार फिर से 2020 में यादें ताज़ा होना ये बड़ी बात है अपने आप में। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप भी महाभारत के हर एपिसोड को पसंद कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख के बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए। धन्यवाद दोस्तों।